1 लाख की नामी किसी ने नहीं देखा चेहरा, उस गैंगस्टर की कहानी जिससे ब्रिजेश सिंह को है खतरा। उत्तर प्रदेश का माफिया ब्रिजेश सिंह 13 साल बाद जेल से छूट चुका है। ब्रिजेश को अब बीकेडी से खतरा है, जिसके सिर पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम तो घोषित कर रखा है, लेकिन उसको देखना तो दूर, पुलिस के पास एक तस्वीर तक नहीं है। ब्रिजेश सिंह और बीकेडी के बीच दुश्मनी की कहानी। जरायम की दुनिया का बड़ा नाम माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह 13 साल बाद जेल से छूट गया है। माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह अब खुली हवा में सांस ले रहा है, परिवार के साथ पूजा पाठ हो रहा है, अपनों के साथ हंसी खुशी से वक्त गुजर रहा है। लेकिन ब्रिजेश सिंह को अभी भी एक ऐसे शख्स से खतरा है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम, लेकिन ब्रिजेश सिंह बहुत कुछ जानता है। माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह को मुख्तार अंसारी से ज्यादा उस शख्स से खतरा है जिसके सिर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख का इनाम तो रखा है, लेकिन उसकी एक तस्वीर तक उत्तर प्रदेश पुलिस के पास नहीं है। उसी शातिर दिमाग गैंगस्टर बीकेडी से ब्रिजेश सिंह को भी खतरा लगता है। कौन है बीकेडी नाम का अपराधी? बीकेडी पूर्वांचल के अपराधियों में एक ऐसा नाम है जो लंबे समय से एक पहेली बना हुआ है। बीकेडी का सिर्फ नाम सुना गया, लेकिन देखा किसी ने नहीं, जिसकी पुरानी तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं। वाराणसी पुलिस से लेकर यूपी एसटीएफ तक भले ही अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं की कुंडली जानती हो, लेकिन वाराणसी का ही रहने वाला बीकेडी उर्फ इंद्रदेव सिंह के बारे में पुलिस अब तक कुछ नहीं जानती। साल 2011 में अजय खलनायक पर हुआ हमला का मामला हो, या फिर जुलाई 2013 में ब्रिजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या, इन दोनों ही सनसनीखेज हत्याकांड में बीकेडी का नाम आया, लेकिन बीकेडी आज तक पकड़ा नहीं गया। कैसे शुरू हुई दुश्मनी? बीकेडी और ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी दशकों पुरानी है। दरअसल ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह उर्फ भुल्लन सिंह की हत्या में पांचू सिंह और ओम प्रकाश सिंह उर्फ लुल्लड़ सिंह नामजद किए गए थे। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध के रास्ते पर चलने वाले ब्रिजेश सिंह ने पांचू सिंह के पिता हरिहर सिंह और उनके चचेरे बड़े भाई बनारसी सिंह की हत्या कर दी। 10 जनवरी 1999 को वाराणसी पुलिस ने पांचू सिंह और उसके साथी बंसी सिंह का एनकाउंटर कर दिया। ब्रिजेश सिंह के कट्टर विरोधी गुट हरिहर सिंह का नाम भी गिना जाता था। हरिहर सिंह के 5 लड़के थे, इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ पांचू सिंह, सत्यदेव सिंह उर्फ सांचो सिंह, इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी और सिद्धार्थ नाथ सिंह उर्फ सीकेडी। वाराणसी में ब्रिजेश सिंह गुट पर काम करने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी ने साफ बताया, रंजिश की शुरुआत ब्रिजेश सिंह के पिता किस समय से हुई, जब ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह ने हरिहर सिंह और उसके बेटे पांचू सिंह की जमकर पिटाई कर दी थी। बाद में जब रविंद्रनाथ सिंह की हत्या हुई तो उसमें नाम हरिहर सिंह और पांचू सिंह का आया, जिसके बाद आरोप लगा कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह ने हरिहर सिंह की हत्या कर दी थी। कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था नाम। अब बात बीकेडी उर्फ इंद्रदेव सिंह की करें तो हरिहर सिंह के 4 लड़कों में बीकेडी तीसरे नंबर पर है। पहले बेटे पांचू सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उसके 2 अन्य भाई सत्यदेव सिंह और सिद्धार्थ नाथ सिंह मुंबई की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करते हैं। बीकेडी की शादी वाराणसी से सटे बिहार के बक्सर जिले में हुई है। बीकेडी की 2 बेटियां हैं जो अपने चाचा के पास मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। दरअसल बीकेडी अपने बड़े भाई पांचू सिंह के एनकाउंटर में भी ब्रिजेश सिंह को ही जिम्मेदार मानता है, और इसीलिए बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी चर्चा थी कि बीकेडी भी इस हत्याकांड में शामिल था। बीकेडी पर मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन बीकेडी को आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा, ना ही पुलिस के पास बीकेडी की कोई सही तस्वीर है।